पक्का जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या किसान बार बार गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, नई नई डिमांड्स रख रहे हैं? और मेरा दूसरा सवाल, इसके नाम पर विदेशों में प्रदर्शन क्यों? क्या विदेशों में भारत की छवि पर असर नहीं पड़ेगा? देखिए, इसके लिए भारत सरकार जवाबदेह है। भारत सरकार को पता है कि हम 12 महीने से बैठे हैं, इंटरनेशनल मीडिया है, ये बात बाहर जाएगी, घर का मामला है। इसने सरकार को समझने में 12 माह लग गए निर्णय करने में, ये बड़ा दुख का विषय है। दूसरा ये है कि हमारी मांग बढ़ नहीं रही है। हमारी दो ही मांग शुरू से थी, 5 जून को ऑर्डिनेंस आया था, हमने 20 जून को पीएम को पत्र लिखा था, ईमेल किया था उनको, उस पत्र में लिखा था कि एमएसपी पर गारंटी का कानून और 3 काले कानूनों को रद्द करना। वही दो मांगों पर हमारी 11 राउंड चर्चा में भी आया है, और हमने कृषि मंत्री जी से निवेदन किया था कि आप इसकी रिकॉर्डिंग कराइए हमारी वार्ता की, तो 4 कैमरों के द्वारा उसकी रिकॉर्डिंग भी कराई गई है। अमित शाह जी से जब हमारी भेंट हुई पूसा के इंटरनेशनल गेस्ट हाउस में, तब भी हमने उनसे निवेदन किया कि एमएसपी, अगर 3 कानून पर बात हमारी आपकी नहीं हो पा रही है प्रॉपरली, तो एमएसपी पर बात करके माहौल को अच्छा हो जाएगा, उससे आगे बात भी हो सकती है। तो नई कोई मांग नहीं है। रहा सवाल, जब कोई बड़ा आंदोलन, छोटा आंदोलन भी जब समाप्त होता है तो बहुत सी चीज़ें तात्कालिक आती हैं। ये आंदोलन 12 माह चला है, 12 माह के आंदोलन में निर्दोष लोगों पर मुकदमे भी बने हैं, तो उनकी वापसी की बात हमेशा होती रही, कोई नई बात नहीं है, भाई मुकदमे आप वापस करिए। और अगर ये 12 माह आंदोलन नहीं चलता तो 700 किसान शहीद नहीं होते। तो किसानों के लिए कुछ आप मुआवजा की बात करना हमारा वैधानिक अधिकार है, वो बातें हैं, नया कुछ नहीं है। टेबल टॉक से ये बातें हो जाती हैं, पर एमएसपी पर गारंटी के कानून हमारी शुरू से मांग रही है, और उस मांग पर हम आज भी अडिग हैं। बगैर एमएसपी की मांग पूरी किए आंदोलन किसी भी सूरत में वापस नहीं होगा, और अगर ऐसा लगा कि सरकार इस मांग को पूरा नहीं करती है तो हमको आंदोलन की गति और तेज करनी होगी। ये हमारी फिलहाल में योजना है। इस संदर्भ में हमने प्रधानमंत्री जी को खत लिखा है और खत से अवगत करा दिया है।